हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और जो लोग आज नए हैं, जिनका आज पहला दिन है, हमारे चैनल पर स्वागत है उनका। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग रीजनिंग का प्रत्येक दिन एक सेठल करते हैं और उसी की कड़ी में आज हम लोग 15वां सेठल करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का 15वां सेट स्लाइड। चलिए सेट नंबर 15 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक। दूसरा कह रहा है साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? दो। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये सीरीज दी हुई है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है आपको और इस खाली स्थान को आप लोग भरिए। चलिए बनाइए फटाफट आप लोग। बन गया होगा? चलिए देखते हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इस वाले को बना ले ताकि यहाँ पर स्पेस हो जाए इस वाले दोनों क्वेश्चन को कराने के लिए। ठीक है, देखो ये वाला बना लिए होंगे आप लोग, सीरीज बढ़ रही है। देखो 8 से 18 फिर 38 फिर 78, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर सीरीज बढ़ती हुई दिखे आपको, समझ लेना कि इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है या फिर गुणा हो रहा है या फिर गुणा होकर जुड़ रहा है, ये हो सकता है। लेकिन अगर कम होता दिखाई देगा तो समझ लेने का उसमें कम हो रहा है। जैसे 8 है, 8 बजाय यहाँ 6 होता, फिर यहाँ पर 5 होता, फिर 2 होता, फिर 3, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या बढ़ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। देखो अब यहाँ से 8 से कितना हो गया, 18 हुआ है। और देखो 8 में 10 जोड़ा है तो 18 हो गया, इसमें कितना जोड़ा है, 20 जोड़ा है तो 38 हो गया, इसमें कितना जोड़ा है, 40 जोड़ा है। लेकिन अगर इसमें हम कितना जोड़ दें, 50 जोड़ दें, कोई आ ही नहीं रहा इसमें, है ना। इसका मतलब इसमें जोड़ने वाली सीरीज नहीं चल रही, इसमें कुछ न कुछ और किया जा रहा है। अब देखते हैं इसका हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 8 दूना 16, तो इसमें पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 दूनी 16 फिर प्लस 2, तो 8 दूनी 16 2 18 हो गया। फिर इसमें चेक करते हैं 2 से गुणा करके, 8 दूनी 18 दूनी 36 प्लस 2 38 हो गया, सीरीज बनने लगी। ठीक है, यहाँ पर 2 से इसमें गुणा किया फिर प्लस 2, 38 दूना 76, 76 में 2 ऐड कर दिया कितना हो गया, 78 हो गया। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 78 दूना 156, 156 में 2 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 158। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 158, हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा था, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2। ठीक है, चलिए बना लिए होंगे आप लोग, मिटा दे। पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तरह एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो सबसे पहले लीप वर्ष को समझते हैं, लीप वर्ष होता क्या है। देखो लीप वर्ष का मतलब होता है जो साल 4 से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं लीप वर्ष, इसमें देखो लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन, 365 दिन। और एक दिन इस कभी कभी बोलते हैं ना, एक साल में 365 दिन भी होते हैं और 366 दिन भी होते हैं। तो जो लीप वर्ष होता है उसमें हो जाते हैं आपके एक साल में 366 दिन। ये एक दिन बढ़ा क्यों, देखो साधारण वर्ष आपका कितना होता है, साधारण वर्ष आपका होता है 365 दिन का। ठीक, अब जो फरवरी होती है आपकी एक दिन की, वो हो जाती है 29 की। जिस दिन फरवरी, जिस महीने फरवरी 28 की होती रहेगी, 28 की होती रहेगी, 365 दिन का साल होगा। और जिस दिन फरवरी 29 की हो जाएगी, तो देखो एक दिन इसमें बढ़ गया ना, तो यही आके यहाँ पर जुड़ जाता है, तो बोलते हैं कि ये 366 का हो गया, यानी कि लीप वर्ष हो गया। यानी कि उस साल, जिस साल ये 366 दिन हुआ होगा, उस साल फरवरी किसकी होगी, 29 दिन की होगी। यही एक दिन इसमें क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 366 हो जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, लीप वर्ष हो जा रहा है। तब ये कह रहा है कि 366 दिन बोले या फिर बोले कि एक, मतलब लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो अब इसको निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो लीप वर्ष बोला तो कितने दिन होंगे, 366, 366 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, दिन पहुंच रहा है तो दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको करेंगे, 7 बचे 35 हो गया, 7 बचे 35, यहाँ कितना हुआ, एक बच गया, एक हो गया कितना, 16 हो गया, है ना, 16 हो गया, कितना बच गया, 7 दूना 14, तो बचा कितना, 2, 2 दिन। हमेशा 7 से भाग देने पर शेष लेते हैं, तो ये 2 दिन क्या है हमारा,
यही एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये हमारा 2 दिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 52 सप्ताह हो जाएगा। आपको पता है कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह सप्ताह। और ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है ये क्या हमारा विषम दिनों की संख्या आ जाएगी, तो विषम एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हैं या फिर आपको लॉजिक पता है तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ आए आपको पहला वाला, अब देखते हैं दूसरा वाला, बना लिए होंगे आप लोग। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, कह रहा साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब देखो साधारण वर्ष कितने साल का कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है, 365 दिन का होता है, तो इसमें भी 7 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 × 5 = 35, 1 × 15 हो गया, 7 × 2 = 14, कितना बच गया, 1, 1 ये क्या हो गया, 1 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि ये हमारा 1 शेष आया, इसका क्या आ जाएगा विषम दिनों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 1। ठीक, समझ आया आपको कैसे होगा, साधारण वर्ष यानी कि एक साल में 365 दिन, तो विषम दिनों की संख्या 1 दिन एक्स्ट्रा, और लीप वर्ष यानी कि 366 दिन, उसमें जब 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या कितना, 2, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। बना लिए होंगे, चलिए देखते हैं हम लोग इसको। करा कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं, कार्रवाई क्या हो सकती है, यानी कि कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जहां पर जो उसके फुटपाथ होते हैं यानी कि जो उसका रास्ता होता है एकदम पर्यटक स्थल के पास, वहां पर क्या है भिखारियों से भरे होते हैं, कार्रवाई क्या हो सकती है, पुलिस की मदद से इन भिखारियों को हटा देना चाहिए, एक कार्रवाई हो सकती है, दूसरी कार्रवाई क्या हो सकती है, सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए, बताइए आप लोग फटाफट इसका क्या आंसर हो सकता है, कार्रवाई 1 सही है कि कार्रवाई 2 सही है कि दोनों सही है कि एक भी नहीं सही है, इसमें ये बताना है आपको। देखो बना लिया आप लोग, चलिए देखते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं, तो एक कार्रवाई हो सकती है कि पुलिस की मदद से इन भिखारियों को हटा देना चाहिए, ये एकदम सही हो सकता है, क्योंकि जो पर्यटक स्थल होते हैं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वहाँ पर लोग क्या होते हैं विदेशी लोग आते हैं कुछ, और इंडिया के भी लोग जाते हैं, तो थोड़ा देखने में अजीब लगता है, इसलिए इसमें कार्रवाई क्या हो सकती है, पुलिस की मदद से इन भिखारियों को हटा देना चाहिए, 1 सही हो गया, सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए, यह भी हमारा क्या है सही है, तो कार्रवाई दोनों हमारी क्या है सही है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, विषम चुनना है आपको, 49 है 64 है 80 है और 100, इसमें आपको विषम चुनना है, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा, बन गया होगा आसान है आपको, देखो यहाँ पे ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, यह वर्ग नहीं है, यही हमारा क्या होता है विषम हो जाएगा, ये 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 10 का, लेकिन ये 9 का वर्ग होता है कितना होता है 81 होता, तो यहाँ पर क्या दिया 80 दिया, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, कह रहा है आशा गौरव की कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, निष्कर्ष पहला है आशा गौरव एक उद्यमी है, दूसरा है आशा गौरव एक अच्छा व्यक्ति है, बनाइए आप लोग फटाफट फटाफट बनाइए इसको, बना लिए होंगे, चलिए देखते हैं, कह रहा आशा गौरव एक कंपनी आशा गौरव की कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, यानी आशा गौरव एक व्यक्ति है जिसकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आशा गौरव के पास एक कंपनी है, ठीक है, अब क्या कह रहा है आशा गौरव एक उद्यमी है, दूसरा क्या कह रहा है आशा गौरव एक अच्छा व्यक्ति है, देखो आशा गौरव एक उद्यमी है ये तो क्लियर हो गया, क्यों क्लियर हुआ, क्योंकि आशा गौरव एक उद्यमी यानी कि एक व्यापारी है एक इंडस्ट्रियल है, तभी उसके पास क्या है कंपनी है और उसके पास क्या है 100 लोग काम कर रहे हैं उसके अंडर में, तो यह क्या है आशा गौरव एक उद्यमी, ये क्या हो जाएगा एकदम 100% सही होगा। दूसरा
कह रहे आशा गौरव एक अच्छा व्यक्ति है। देखो अच्छा व्यक्ति है कि गलत व्यक्ति है, इस बारे में कथन में कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पर ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब ये मत कह देना कि आशा गौरव एक अच्छा व्यक्ति है तभी उसके अंतर्गत 100 लोग काम कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा होता तो भी काम करते, नहीं होता तो भी काम करते, ये अच्छा बुरा होने पर डिपेंड नहीं करता। आशा गौरव क्या है, एक कंपनी है, एक कंपनी का मालिक है, ठीक है, एक उद्यमी है। वो अच्छा है खराब है इस बात की चर्चा कथन में कहा होता तो हम इसको सही या गलत करते, जब कहा है नहीं है तो क्या है, ये वाला क्या है, गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखिए सात क्वेश्चन, सातवां नंबर में देखो तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको बनाइए आप लोग, आसान क्वेश्चन है। चार डायग्राम बना उसमें संख्या भरी हुई है, उसके बाद इसमें एक एक क्वेश्चन आपको दिया गया, आप बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए बना लिए होंगे, देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि ऐसे कितनी संख्या है जो ग्रह और सितारे दोनों है, ऐसी कौन सी संख्या जो ग्रह और सितारे दोनों है। चलिए देखो सबसे पहले ग्रह कहाँ है, यहाँ पर है, सितारे कहाँ, यहाँ, इन सबको हम छोड़ देंगे, ये सबको छोड़ देंगे, ठीक है। कह रहा है ग्रह और सितारे दोनों है, तो दोनों मतलब बीच वाला, तो बीच वाला कौन, यही पांच दर्शा रहा है, ये अलग सितारा है, ये ग्रह का अलग है, ये चार है, लेकिन इसमें किसमें चांद के अंतर्गत चार है, तो ग्रह और सितारा कौन दर्शा रहा है, ये वाला केवल पांच, इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल पांच, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी संख्या ग्रह और चांद को दर्शाती है। ग्रह कहाँ है, यहाँ पर है, चांद कहाँ है, यहाँ पर है, तो ग्रह और चांद की बात कर रहा है। देखो ग्रह ये हो गया, ग्रह और चांद दोनों को दर्शा रहा है, यानी कि दोनों को जब कहा है तो ये बीच वाला पार्ट आएगा, तो बीच वाले संख्या कितनी होगी, 45, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 45 हो गया। तीसरा, कौन सी संख्या केवल आकाशगंगा को दर्शाती है, यानी कि केवल आकाशगंगा का मतलब है कि किसी में ना हो, केवल आकाशगंगा में हो। देखो आकाशगंगा कहाँ है हमारा, ये देखो ये हमारी आकाशगंगा है, तो केवल आकाशगंगा है। देखो ये वाला जो दो है, ये कुछ इसका आकाशगंगा कुछ पार्ट चांद में चला गया है, लेकिन कुछ का नहीं बोला है, किसका बोला है, केवल, तो केवल क्या है, सात, आकाशगंगा का आंसर क्या हो जाएगा, केवल कौन सी संख्या आकाशगंगा को दर्शा रही थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो भी लाइक कीजिए, और खूब अच्छा सा कमेंट लिखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग, तब तक इसको हम रिफिल कर लें। बना लिए, चलो देखते हैं। अब देखो 10 नंबर तो थोड़ी देर रोक के 11 नंबर को बना लें, उसके बाद फिर इसके यहाँ पर इसको इरेज कर देंगे, 30 वाले प्रश्न को यहाँ बना लेंगे, नहीं तभी यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ये सीरीज बन गई होगी आपको, ये भाग जो का जो सवाल है, 40 × 5 − 10 / 100 + 20, इसको आपको बनाना है। अब देखो क्या कह रहा है, अगर इसका डायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे डायरेक्ट बना लेंगे, इसको बिना पढ़े तो इसका आंसर क्या होगा, गलत आएगा, और इसके बाद जिसको आप पढ़कर इसका सिंबल चेंज कर देंगे उसके बाद बनाएंगे तो इसका आंसर दूसरा आएगा, वही आंसर आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए कह रहा है गुणा का, देखो भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तथा गुणा का अर्थ भाग। देखो गुणा का अर्थ भाग, तो जहाँ पर गुणा है वहाँ क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर हम गुणे के स्थान पर क्या रख दिए, भाग। आगे क्या कह रहा है, माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, तो देखो माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस के स्थान पर क्या रख दिए, गुणा रख दिए, ठीक। अब कह रहा भाग, भाग का अर्थ प्लस, तो यहाँ पे भाग के स्थान पे क्या रखना है, प्लस, ठीक। अब ये कह रहा है प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस के स्थान पे क्या आएगा, माइनस, बदल गया सिंबल, अब उसके बाद हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखो सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ या घटाने में से आप कुछ भी पहले कीजिए, लेकिन सबसे पहले भाग, फिर गुणा, उसके बाद जोड़ या घटाने में से कुछ भी पहले इसको करते हैं, कितना आएगा, 5 × 8 = 40, 8
आठ आ गया, इस पूरे के स्थान पर कितना है आठ, अभी गुणा है तो आठ का हम अस्सी, अस्सी में सौ जोड़ दो कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी, फिर घटा दोगे तो बीस कितना हो जाएगा एक सौ साठ। देखो अस्सी हो गया प्लस सौ माइनस बीस, इसको जोड़ दो एक सौ अस्सी माइनस बीस बराबर एक सौ साठ, ठीक कितना है एक सौ साठ, इसका आंसर कितना होगा एक सौ साठ। चलिए ठीक है, चलिए इसको मिटा के इसके ऊपर और प्रश्न को बनाते हैं। चलो देखते हैं, कह रहा है यदि काजल और मुस्कान एक ही बेटी है, काजल और मुस्कान एक ही बेटी है, बी ए का पति है, सी बी का पुत्र है, तो काजल का सी से क्या संबंध है। देखो काजल और मुस्कान एक ही बेटी है, यानी कि ए की बेटी कौन कौन है, काजल है और मुस्कान है, ठीक एक ही बेटी। देखो कह रहा है काजल और मुस्कान एक ही बेटी है, तो काजल और मुस्कान एक ही बेटी है, ठीक है। अब कह रहा है बी ए का पति है, बी जो है ए का पति है, तो बी ए का पति है, तो पति है प्लस ए माइनस, क्योंकि महिला हो गई, अब ये पति हो गया तो इसकी वाइफ हो गई है। अब कह रहा है सी बी का पुत्र है, सी जो है, सी जो है बी का बेटा है, सी जो है बी का बेटा है, बेटा है यानी कि पुरुष है, मेल है, प्लस आगे तो काजल का सी से, तो जिसके साथ से लगा रहता है वहां से चलना शुरू करते हैं, जहां का लगा रहता है वहां तक जाते हैं, तो सी से काजल का, सी से काजल का। अब देखो ये दोनों पति पत्नी हो गए, इनकी दो बेटी हो गई, इनका ये बेटा हो गया, यानी कि कहने मतलब इसी ये जो तीनों हैं आपस में भाई बहन का संबंध हो। देखो ये पति पत्नी, इनकी बेटी दो, इनका बेटा एक, तो मतलब क्या इसी माँ के तीन बच्चे है ना, इसी माँ के तीन बच्चे हैं जिसमें से दो बेटी है एक बेटा है, ठीक है। अब बताओ कह रहा है कि काजल का सी से, तो सी से कहाँ जाएंगे, का की तरफ, तो सी की काजल क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को बनाइए और जल्दी से बनाइए। करें नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके तीन समूह बनाइए, ये जो आकृति दी गई है इसका सबका एक एक बार इस्तेमाल करना है, उसके बाद इसका समूह बनाना है, और तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन और एक ऑप्शन दिया है, नाम दीजिए। अगर आपसे समूह नहीं बन रहा है तो आप नाम दे ठोक दीजिए, अगर आपसे समूह बन रहा है तो जो आपको सही लग रहा है उसको ठोक दीजिए। चलिए तो देखो नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके तीन समूह बनाइए। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझो, आप लोग बनाए नहीं, लो बना लो, अच्छा बना लिए होंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो एक्स है, वी है, जेड है, इस तरह समूह दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी छांट सकते हो, उसके बाद अगर आपको ऐसे भी आ रहा है तो आप वैसे बना सकते हैं, हम दोनों आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो एक लाइन दो लाइन, दो लाइन है, इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमेशा लाइन से ही गिनना, लाइन वाला ही आता है कि लाइन कितनी है, किसमें दो लाइन होगी तो दो लाइन वाला समूह देख लेना, तीन लाइन होगी तीन लाइन वाला समूह देख लेना, और चार लाइन होगी तो चार लाइन वाला समूह देख कर उसको ऐसे एक एक साथ पेयर बना लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर एक लाइन दो लाइन, यहाँ भी दो लाइन, यहाँ भी दो लाइन, ये वी ना देखो, वी एक्स ये सब ना देखो, वर्ग ये सब ना, केवल इसका लाइन गिनो। देखो यहाँ पे एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, यानी कि एक दो तीन एक जैसे हैं, तो एक समूह बन गया आपका, तो एक दो तीन ऑप्शन किसमें है, देखो दो तीन एक है, एक दो तीन सीरियल से एक दो तीन हमारा एक समूह है, ये सेट हुआ। आगे देखो कह रहा है एक दो तीन, एक दो नीचे वाला तीन, देखो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तीन हो गया, तो एक दो तीन हो गया, एक दो तीन हो गया, एक दो तीन, लाइट चली गई, एक मिनट फ्लैश जलाते हैं यार। चलो देखो दिख रहा है आपको, एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ पे एक दो तीन, यानी कि चार पांच छह, ये वाला भी समूह बन गया, चार पांच छह। आगे देखते हैं,
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और यहाँ पर एक दो तीन चार, तो ये सात आठ नौ का पेयर बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सात आठ नौ। तो यानी कि पहला वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। यानी कि इसमें दो दो लाइन का पेयर मिला, इसमें तीन तीन लाइन का पेयर मिला, इस वाले में चार चार लाइन का पेयर मिला। ठीक है, चलिए तेरहवा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर दो लाइन है, फिर दो लाइन है, फिर दो लाइन है, और यहाँ पर भी दो लाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सम छाटना है आपको, यहाँ लिखना भूल गए थे। अब देखो यहाँ पर दो लाइन एकदम सीधा है, फिर तिरछा है, फिर ऐसे ले पड़ी लाइन है, फिर उसके बाद तिरछा है। देखो अगर घड़ी की दिशा में देखोगे तो 90 डिग्री पर है एकदम, और ये क्या है, घड़ी से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रही, इधर चली फिर एक बार चली और फिर उसके बाद घूम गई। अब देखो इसको थोड़ा सा इसका दे रहे हैं, इस वाले प्रश्न आकृति को समझ लो अच्छे से। देखो सबसे पहली वाली आकृति में ऐसे दिया है 90 डिग्री, उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे घुमा दिया है, यानी कि 12 12 से फिर आ गया बीच में, उसके बाद फिर कहाँ आया है, यहाँ पर आ गया 9 पे, 12 के बाद बीच में फिर 9 पे। देखो यहाँ से ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, इसको ऐसे चलना चाहिए, फिर यानी कि फिर ऐसे होता चौथे वाले में तब तो ठीक था, लेकिन इसमें कैसे दिया है, इस तरह दे दिया, यहाँ पहुँचा दिया है, यहाँ से इधर गया, इधर से इधर इधर आना चाहिए, तो फिर दो बार फिर घूम के यहाँ पे आ गया, जो कि ये क्या गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन डी मार दोगे जल्दी में तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन डी तो आपका सही है, लेकिन किस ऑप्शन में रखा है ये देखना है आपको। देखो ऑप्शन डी आप सही है तो आप जल्दबाजी में क्या करोगे, बी को मार के चले आओगे, लेकिन डी में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी अगर बी मार दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, लेकिन ऑप्शन आपका देखना पड़ेगा कि डी जो है वो है कहाँ पर। देखो डी कहाँ पर है, पहले वाले में, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब लाइट का इंतजार करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन को करते हैं, लाइट 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, नहीं आ रही है, तो इसी 16 क्वेश्चन को कराकर सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, फिर अगले दिन हम और क्वेश्चन करा देंगे आपको। चलिए देखो यहाँ पर बना लीजिए आप लोग, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, लाइट का इशू रहता है गाँव में, हर समय बना रहता है, आप तो जानते ही हो, जो लोग गाँव से रहते हैं लोग जानते होंगे लाइट के बारे में। बिजली का बिल पूरा चाहिए, लेकिन लाइट 24 घंटे 5 घंटे दे दो बहुत है। चलिए बना लिए, अब देखो यहाँ पर बी है, उसके बाद स्ट्रिंग है, फिर स्नेक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ 15वें में बो है, एरो है, गन है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, कार है, पेट्रोल है, लोकोमोटिव है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क। देखो इसका हम ऑप्शन छोड़ दिए हैं, भूल कर लिखना, तब तक आप इसको बनाते रहिए, हम इसका ऑप्शन लिख दे रहे हैं। बना लिए होंगे, अब देखो कह रहा है बी स्टिंग, स्टिंग मतलब होता है डंक मारना, बी क्या करती है मधुमक्खी क्या करती है, डंक मारती है, उसी तरह सांप क्या करता है, काटता है, तो काटना की स्प्रिंग क्या होती है, बाइट होती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बी मधुमक्खी का स्टिंग करती है यानी कि डंक मारती है, उसी तरह स्नेक क्या करता है, बाइट यानी कि काटता है। ठीक, आगे देखो कह रहा है बो एरो और गन का क्वेश्चन मार्क, देखो धनुष बो मींस होता है धनुष, आरो एरो मींस क्या होता है, तीर है ना, तो धनुष में क्या होता है, तीर होता है, तो इसी तरह गन में क्या होता है, बुलेट होगा, तो यहाँ पे फायर गन शूट और बुलेट, तो इसको क्या हो जाएगा, बुलेट आंसर हो जाएगा। अब देखो कार किस, कार पेट्रोल लोकोमोटिव इंजन होता है। ठीक है, अब देखो कार किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, तो लोकोमोटिव किससे चलेगा, यहाँ पर फायर नॉट नो दिस ग्रेविटी, ग्रेविटी तो बिल्कुल नहीं चलेगा, पोल, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर पोल। ठीक है, तो ये रहा आज का सेट नंबर 15, लाइट ना आने की वजह से हम 4 क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप लोग
लाइक कीजिएगा, नहीं मेहनत पसंद आ रही तो डिसलाइक भी कीजिएगा और उसका साथ उसका रीज़न भी लिखिएगा कि नहीं आ रही। अगर उसमें हम कोई सुधार करना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।